कमिश्नर जयंत नालिकर ने जिला अस्पताल में 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फॉरेंसिक लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन का सोमवार को निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ और जिला अस्पताल के एसआईसी को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द लैब में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि कोरोना जांच 24 घंटे में हो सके। ये सुविधा 3 दिनों के अंदर शुरू कराने की बात भी उन्होंने कही। आपको बताते हैं कि कोरोना महामारी के बीच कमिश्नर जांच की रफ्तार बढ़ाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि 100 बेड टीबी अस्पताल के बाद फॉरेंसिक लैब में 24 घंटे कोरोना जांच की सुविधा शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। जिला अस्पताल में जगह न होने की वजह से उन्होंने फॉरेंसिक लैब को चुना है। इसे को लेकर वो लैब का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। सीएमओ श्रीकांत तिवारी और एसआईसी से वार्ता के बाद ये बात सामने आई कि 24 घंटे की सुविधा के लिए कम से कम 6 लैब टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। इस पर कमिश्नर ने 3 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था कराने को कहा है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि 3 दिनों के अंदर सारी व्यवस्था कराकर जाँच की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद से जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को कहीं और जाँच के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की भी कोरोना जाँच आसानी से हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जेल अधीक्षक रामधानी मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीएमओ डॉ श्रीकांत तिवारी और कमिश्नर जयंत नालिकर ने कहा। आप लोग का एक छोटा सा पोर्शन लेके यहाँ से एंट्री करते हैं, बाद में बना के आपको दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बैरिकेडिंग करते हैं, आपसे कोई टच नहीं आता।
यहाँ क्या प्लान किया सीधे सर? सर यहाँ सर दो रूम है, एक रूम में तो टेस्टिंग का और उसका रख लेंगे, क्योंकि राउंड क्लॉक होगा तो वो इसको यदि सीएमओ साहब इसको यही कर रहे हैं सर बड़ा, हाँ ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें वो रेस्ट रूम बना दें सर, अच्छा टॉयलेट इसमें डिपार्टमेंट का चेंज कर दीजिए और एक छोटी सी पेंट्री बना दीजिए चाय वाय के लिए, वो भी बना देंगे और उसका आधा यूज कर दीजिए आर टी पी सी आर के जिनका एंटी करके बाद आर टी पी सी आर भी लेना है उस पर चले जाएंगे। तीन सैंपल ले सकते हैं, वो तो इकट्ठा लेते हैं सर, अंदर उतने दिन से स्टार्ट सर, फिर उसमें दिक्कत ही होगी सर, रहने का उसका होगा वहीं पर, हम सारा नॉन कोविड कर रहे होंगे एक तो आपका आउटर बंद हो गया जिससे कि उनका डिस्टर्ब ना हो, उनका डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ से क्या है जैसे आप वो एलियन टाइप का बनाते हैं ना सौ लोगों का, वो लोग उसी में खड़े उसी में ऐसे ही आएगा। आइए जरा इनके आप देखें, अभी कोई रहना ये तो बहुत छोटा सा काम है, यहाँ कोई क्या सर ऐसे कर लेंगे अरे नहीं उनका घर मत, उसकी तो फैमिली उनकी रह रही है, ज़्यादातर घर नहीं मिला नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं कहीं से अपना सीधे घुसेगा घूमेगा पूरी आगे जाएगा आगे तो नहीं घुसेगा, ये पूरा आइडिया अपना होगा नहीं रहेगा तभी करना और ये बैंक
ड्रॉप करना आपका पीछे बाकी ये जगह हम थोड़े दिन से बात करेंगे और हिसाब किताब मत करेगा जी आपको बता दी मॉर्निंग में कपड़ा चेक नहीं आपको बता दी तो आने लगे कि ये बहुत गलत है अब एल टी आप देख लीजिए अंदर का आपको देखिए अंदर का देखिए सफाई से करके अंदर करके घंटा जाते हैं दो सलाम करा दीजिए और लोग सब हो जाए आपको चौबीस देखिए आप 5 बजे तक चौबीस देखिए 5 बजे तक आप दोनों बात करके जो भी इन्हें चाहिए उसमें कुछ मत खाना आप लोग वो कर सकते हैं आप बता दीजिए आपके सरकार लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि आज कौन सा दिन है सोमवार कब तक इसका बिल हम लोग बोल पाते हैं जब हम आपको वापस भी देंगे पूरा उसकी तसल्ली करके देंगे वो ऐसा नहीं है मतलब पूरा और ये ऑफिस भी इसमें पूरा मुख्य है हम लोग उनको बता रहे हैं कि क्यों ये कर रहे हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि पैकेज आप ये हम लोग ने राउंड द क्लॉक टेस्टिंग की फैसिलिटी देने के लिए जनमानस को कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी देने के लिए जैसा कि हमने एक अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगवा में शुरू किया है जहां 2400 घंटे टेस्टिंग होती है जिला अस्पताल चूँकि सभी को नोन है पूरी पब्लिक को नोन रहता है कि जिला अस्पताल है तो यहाँ भी हम 24 घंटे की ये फैसिलिटी देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे जिला अस्पताल में बहुत ही कम जगह है और बहुत ही कंजेस्टेड है वहाँ हम कोविड की जांच का व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे तो कमिश्नर सर के निर्देशानुसार हम यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब स्थापित हुई है इसके एक कॉर्नर में जो दो रूम बने हैं उनको लेके ये व्यवस्था शुरू करना चाह रहे हैं उसी संदर्भ में अभी कमिश्नर साहब डीएम साहब हम लोग सब लोग यहाँ आए थे और उसको तय हो गया है कि हम इसको 4 से 5 दिन के अंदर राउंड द क्लॉक सर्विसेज देने के लिए शुरू कर लेंगे सर कौन कौन सी जाँचें होंगी सिर्फ कोविड की एंटीजन और आरटीपीसीआर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे वो लोग जो सिम्टोमेटिक हैं एंटीजन में नेगेटिव आ रहे हैं उनका हम आरटीपीसीआर कलेक्ट करेंगे उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजेंगे और एंटीजन का टेस्ट यहीं के यहीं हो जाएगा कब तक संचालित 4 से 5 दिन का उम्मीद है कि तब तक ये लोग कार्यदायी संस्थाएँ इसको प्रॉपर वे में कर देंगी तो हम अपनी टीम लगा देंगे देखिए प्रयास हमारा ये चल रहा है कि सीएमओ साहब जो हैं गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग एक 24 घंटे का 24/7 जांच केंद्र कोविड जांच केंद्र चरगावा में चला रहा है क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और शासन के निर्देश के क्रम में ओपीडी शुरू हो गई है और मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपीडी में लोग अब आएंगे और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो जिला चिकित्सालय है उसके पास भी हम 24 घंटे का एक जांच केंद्र साफ़ सुथरा और कॉम्पैक्ट एक शुरू करें जिसमें तुरंत जांच की जा सके और देखा जा सके कि मरीज की प्रॉब्लम तो कोविड वाली नहीं है जिससे कि जिला चिकित्सालय में उनको समुचित और समय के अंतर्गत इलाज मिले उसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि एक 24 घंटे का 24/7 हम जांच केंद्र जिला चिकित्सालय के बहुत समीप में आरंभ कर सकें ये हम जिला चिकित्सालय में नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कोई इन्फेक्शन फैसिलिटी में ना हो इसलिए जिला चिकित्सालय से दूर लेकिन इतना भी दूर ना हो कि पेशेंट को दिक्कत हो तो वही प्रयास है आशा करते हैं कि एक वीक में हम शुरू कर पाएंगे